टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया जैसे कि किंगडम प्लांटी और किंगडम स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि ये क्लासिफिकेशन, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स की किस बेस पर थी उनके मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर और उनकी लोकोमोशन की बेस पर वो ऑर्गेनिजम्स जो के लोकोमोट यानी मूव नहीं हो सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया और वो जो के मूव कर सकते थे उनको किंगडम मैनिमेरिया में रख दिया गया साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में जगह दी गई और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उनको किंगडम में रखा गया किंगडम प्लांटी में बैक्टीरिया, फन जाए और एल को भी जगह दी गई लेकिन इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं प्लांट से डिफरेंट थी साथ ही साथ हमने कुछ और भी ड्रॉबैक्स देखे इस सिस्टम में और वो क्या थे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात पाई जाती थी उनको सही से डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाई नहीं किया गया या उनकी क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं थी ना तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटी में जगह पा सकते थे और ना ही किंगडम एनिमेलिया में रह सकते थे इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों ही सुटेबल नहीं है और एक और जो ड्रॉबैक देखा गया वो ये था कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लांटी किंगडम में मौजूद थे जबकि प्लांट्स होते होते हैं और होते हैं और बैक्टीरिया इसी तरह जो के यूकैरियोट्स है वो किंगडम प्लांटी में मौजूद था मगर वो हेटरोट्रॉफ है यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता मगर वो प्लांट्स के साथ यानी ऑटोट्रॉफ्स के साथ प्रेजेंट था इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए इसलिए उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया और 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था प्रोटिस्टा और ये जो सिस्टम बना इसको नाम दिया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्योंकि अब हमारे पास आ गए थे तीन किंगडम्स मतलब किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा ने वो ऑब्जेक्शन दूर कर दिया यानी यानी वो एतराज दूर कर दिया जो कि युगलिना पे था कि युगलीना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना तो प्लांट्स की तरह है और ना ही एनिमल की तरह है कंप्लीटली बल्कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी प्लांट्स की जैसी हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी एनिमल्स की जैसी हैं इसलिए हम युबलीना जैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ कुछ खसूसियात पाए जाए तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक नए किंगडम में रखते हैं और हम इन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जगह नहीं दे सकते तो इसलिए अर्नेस्ट हैकल ने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें युगलीना जैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जैसी खूब पाई जाती थी जैसे हमने पढ़ा था कि युगलीना में प्लांट्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है तो वो क्या थी लाइट की मौजूदगी में युगलीना अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल लेकिन डार्कनेस में ये हेट्रोट्रॉप है यानी हेट्रोट्रॉफिक है मतलब ये अपना फूड खुद पे पे नहीं कर सकता इसी तरह अगर हम देखें कि इसमें एनिमल की जैसी कौन सी कैरेक्ट्रिस्टिक्स थी तो वो ये थी कि जैसे एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो युगलीना में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और युगलीना एक जूनी सेलुलर है जबकि किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें या प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। इसलिए युगलीना के लिए एक नया किंगडम आ गया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा मगर अभी भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ गलतियां मौजूद थीं और वो ये थी कि अभी भी प्रोकेरियोट्स और यू के लिए कोई क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन मौजूद नहीं थी के जो ऑर्गेनिज्मिक हैं और वो ऑर्गेजम जो प्रोकेरियोटिक हैं उनको हम क्लियर कट किस किंगडम में जगा दें इसलिए ये किंगडम भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं था इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मजीद जो इसके ड्रॉबैक हमें नजर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो ये था कि बैक्टीरिया को भी प्लेस कर दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में जबकि अगर हम ये देखें कि युगलीना तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं और बैक्टीरिया युगलीना से बिल्कुल डिफरेंट था बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जरूर है मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो के ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो के हेड्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते इसी तरह अगर हम ये देखें कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो के प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होता है यानी ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेज मौजूद नहीं होती मगर इसके बावजूद बैक्टीरिया को रखा गया किंगडम प्रोटेस्टा में जिसमें मौजूद तो हम ये कह सकते हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी वो ऑब्जेक्शन दूर नहीं किया गया जो कि के यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की डिफ्रेंसिएशन का था कि के यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अलहैदा किंगडम्स में होने चाहिए और प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म अलग किंगडम में होने चाहिए एक और जो ऑब्जेक्शन साइंटिस्ट ने उठाया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर वो ये था कि अभी भी फनजय को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया स्टूडेंट्स फनजय किसी भी तरह बाकी किंगडम्स के अंदर जगह नहीं बना सकते थे क्योंकि फनजय की करेक्टरिस्टिक्स बाकी ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट थी यानी इनमें सेल्वल तो मौजूद होती है मगर सेल्बल काइटिन क्यों होती है और अगर हम इनका मॉडल न्यूट्रिशन देखें तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है मतलब ये होते हैं यानी ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसलिए फंजय के लिए भी जरूरत इस बात की थी कि इनके लिए भी एक अलग किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जाता इसलिए बाकी साइंटिस्ट ने और किंगडम्स की तरफ इशारा किया और उनका ख्याल ये था कि अब बैक्टीरिया भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्लांटी में नहीं रहेगा और फंजय का भी एक अलग किंगडम होगा इसलिए हम देखते हैं कि रॉबर्ट विट ने एक और क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और अब उसमें ना तो टू किंगडम मौजूद थे ना ही थ्री किंगडम्स थे बल्कि अब मजीद दो तो किंगडम्स की एडिशन हुई और अब ये बन गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन फाइव किंगडम्स में किंगडम मुनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया शामिल है इन पांचों किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सब की कैरेक्टेरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यकीन सिमिलर भी होंगी मगर ज्यादा डिफरेंसेस मौजूद होने की वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में नहीं रख सकते स्टूडेंट्स 1937 में ई कैटन ने इंट्रोड्यूस कराई दो टर्म्स जो कि थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकेरियोटिक ऐसी टर्म थी जो के इंट्रोड्यूस कराई गई ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे कि बैक्टीरिया और यू में इंक्लूड थे प्लांट्स एनिमल्स और फन जाए किस पेस पे इंट्रोड्यूस कराई गई टर्म वो ऑर्गेनिजम्स जो के प्रोकेरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल थे यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड मौजूद नहीं थे और यू के टर्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल की गई जो के बने हुए थे यू सेल्स सेल्स मतलब ऐसे सेल से जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन मौजूद थी इसका मतलब ये हुआ कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अब हमें पता था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स हैं उनको हम स्पेसिफिक किंगडम में ही रखेंगे और जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे या प्रोकैरियोट्स थे उनको हम एक खास किंगडम में ही जगह देंगे हमने देखा कि 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने दो मजीद किंगडम्स इंट्रोड्यूस कराए और अब ये सिस्टम बन गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन किंगडम्स में किंगडम मुनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाय, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेरिया शामिल है मगर रॉबर्ट पिटेकर ने किस बेस पर ऑर्गेनिजम्स को इन फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया तो रॉबर्ट पिटेकर ने दो बेसिस ली पहली बेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी बेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो के फोटोसिंथेटिक थे यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे यानी ऑटोट्रॉप्स थे उनको एक किंगडम में जगह दी गई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एब्जॉर्पटिव हेटरोट्रॉप्स थे उन ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग किंगडम यानी किंगडम फंजाइ रखा गया और इसी तरह वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉप्स थे जैसे कि एनिमल्स इनके लिए किंगडम एनिमेलिया रखा गया तो अब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिकट्रोट्रॉपिक या एब्सॉर्बिव हेट्रोट्रॉपिक होने की बेस पर इसी तरह जो दूसरी बेस हमने पढ़ी वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन से ऑर्गेनिजम्स लुलर इन नेचर है यानी एक सेल से बने हुए हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूकेरियोटिक मल्टी सेलर है यानी ऐसे जो के यानी ऑर्गेजटिक सेल्स पर मुश्तम है और वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो के यूनिसेलर यूकेरियोटूनिटिक है मतलब एक सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनका वो सेल क्या है यूकेरियोटिक है मतलब उस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गे मौजूद है तो इस बेस पर यानी यूनिसेलुलर यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक होने की बेस पर भी ये किंगडम्स वजूद में आए और इन ऑर्गेनिजम्स को इन किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया लेकिन अब 1988 में मार्गुलस और ने इन पांच किंगडम्स में कुछ मॉडिफिकेशंस की और उनका ख्याल ये था कि अब ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिक यानी उनकी जेनेटिक बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं जिससे थोड़ी बहुत चेंजेस तो आई मगर यह सिस्टम यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मजीद एडवांस्ड और एक्सेप्टेबल हो गया बाकी साइंटिस्ट के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन का सिस्टम अब मौजूद है वो कौन सा सिस्टम है तो वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम आगे जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और ये जो इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इसमें से आपको किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं लेती हूँ आपसे एक छोटा सा क्विज और आप लोग मुझे बताएंगे उनके आंसर्स और अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो आप लोग रिटर्न फॉर्म में एक दफा प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप लोग उसको एक दफा अपनी बुक के चैप्टर नंबर थ्री खोलेंगे उसको स्टडी करेंगे और फिर इन क्वेश्चन के आंसर्स को प्रिपेयर करके रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है तो हमने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में स्टडी किया कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और हेट्रोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स और, और हेट्रोट्रॉप पर इसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो हमने ये पढ़ा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूगली लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं किया गया था प्रॉपरली और साथ साथ प्रोकेरियॉर्ड्स और यू में भी प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं थी इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि हम फंजय को प्लांट की किंगडम में क्यों नहीं रख सकते या हम प्लांट्स के साथ उसको क्यों नहीं प्लेस कर सकते तो उसका जो ड्रॉबैक वाला लास्ट पैराग्राफ है उसमें आंसर है कि फंजय क्योंकि प्लांट की तरह नहीं होता वो एब्जॉर्पटिव हेट्रोट्रॉफ है ऑटोट्रॉफ नहीं है इसमें सेल वॉल तो मौजूद है मगर वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी हुई है इसलिए ये दो करेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बेस पर हमार, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फंजय के लिए एक अलग किंगडम बनाएं जैसे कि अब बन गया है और हम इसको प्लांट्स के साथ प्लेस नहीं कर सकते इसके अलावा फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा उससे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया और कब कराया तो हम देखते हैं कि हु एंड वेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड तो हम ये देखेंगे कि 1967 में रॉबर्ट बिटेकर था जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और किसने मॉडिफाई किया और कब मॉडिफाई किया तो 1988 में और ने इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया तो हमने ये आज पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं बाकी जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या आगे जो हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसलिए आपने ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स आज हम लोग ने डिस्कस किया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और हमने ये देखा कि किस तरह अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस कराया किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया के बाद एक नया किंगडम जो कि था किंगडम प्रोटिस्टा और कौन से ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए तो वो रखे गए युगलिना यानी युगलिना ऐसा ऑर्गेनिज्म जो के प्लांट लाइक भी था और एनिमल्स लाइक भी था लेकिन अभी भी हमने देखा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे यानी अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन थे जो के उठाए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के जानब से और साइंटिस्ट ने कहा कि फन किसी भी सूरत किंगडम प्लांटी में नहीं रह सकता क्योंकि फंज़ाई फिव हेट्रोटॉप है और इसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी प्लांट्स की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन से डिफरेंट है क्योंकि हमने देखा कि प्लांट्स की सेल वॉल सेल लोस से बनी होती है और फंज़ाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से साथ ही साथ इसके अलावा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि अब तक भी यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आने के बावजूद भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कोई डिफ्रेंसियेशन मौजूद नहीं थी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट या प्रोकैरियोट होता था उसको किसी भी किंगडम में रख दिया जाता था फिर हमने ये देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्शन को दूर किया और अब इंट्रोड्यूस कराए मजीद दो किंगडम्स और वो किंगडम्स कौन से थे किंगडम फन और किंगडम मुनैरा और अब ये फाइव किंगडम्स कौन से हो गए किंगडम मुनैरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखेगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज